कैथोलिक्स, वेलकम टू निवान मैथ एकेडमी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। अगर अब तक आपने अपने निवान मैथ एकेडमी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। और आज हम एक न्यू टॉपिक के साथ आपके सामने आए हैं। आज का जो टॉपिक है हमारे पास वो है टाइप्स ऑफ पॉलीनोमियल। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ पॉलीनोमियल की अगर हम बात करें, टाइप्स ऑफ पॉलीनोमियल्स की अगर हम बात करें कि पॉलीनोमियल्स के कितने टाइप होते हैं, तो इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। कैसे? टाइप्स ऑफ पॉलीनोमियल हम एक बार बताएंगे विद द हेल्प ऑफ डिग्री, मतलब डिग्री के साथ बताएंगे कि डिग्री के बेस पे हमने टाइप्स ऑफ पॉलीनोमियल किस तरीके से है, और एक टर्म्स के हिसाब से कि टर्म्स में किस तरीके से है। तो यहाँ पे हम दो तरीके से इसको डिफाइन करेंगे। ठीक है, पहला होगा बेस्ड ऑन डिग्री, डिग्री पर बेस होगा, बेस्ड ऑन डिग्री। दूसरा होगा बेस्ड ऑन टर्म्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ पॉलीनोमियल हम बताते हैं दो बेस पे। पहला बेस जो होता है वो डिग्री, दूसरा टर्म्स। टर्म्स में अलग डिफाइन होते हैं टाइप्स ऑफ पॉलीनोमियल्स, और डिग्री में अलग। तो आज का जो हमारा वीडियो होगा वो होगा टाइप्स ऑफ पॉलीनोमियल्स बेस्ड ऑन डिग्री, डिग्री पर बेस हम आज बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम अगर बात करें टाइप्स ऑफ पॉलीनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलीनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री, बेस्ड ऑन डिग्री। तो यहाँ पे जो फेमस पॉलीनोमियल है डिग्री के बेस पे, जो फेमस पॉलीनोमियल है उनमें नंबर वन जो पॉलीनोमियल है वो है मेरे पास लीनियर, लीनियर पॉलीनोमियल। क्लियर। सेकेंड जो है वो है हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। सेकेंड हमारे पास होती है क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। हमारे पास होती है क्यूबिक पॉलीनोमियल, क्यूबिक पॉलीनोमियल। एंड देन फोर्थ हमारे पास होती है बाई क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, बाई बाई क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। ये मेरे पास, इसके अलावा भी पॉलीनोमियल होती है, बट ये मेरे पास नेमिंग से फेमस थ्योरम है। इसके अलावा भी होती है, और दो मेरे पास फेमस होती है, जीरो पॉलीनोमियल एंड कांस्टेंट पॉलीनोमियल। ठीक है, तो उसको हम इससे थोड़ा सा अलग, मतलब उसका एक अलग ही टॉपिक रखेंगे, जीरो पॉलीनोमियल क्या होती है और कांस्टेंट पॉलीनोमियल होती है। डिग्री के बेस पे हम पहले इनको ही पढ़ेंगे, लीनियर पॉलीनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, क्यूबिक पॉलीनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। इनके अलावा भी होती है पॉलीनोमियल, पर फेमस यही होती है। इनके अलावा जो पॉलीनोमियल होती है उनको किस तरीके से हम बताते हैं वो हम मतलब इससे आगे मैं जब पूरा ये करा दूंगी तब आपको बताऊंगी, क्योंकि यहाँ पे ये बेस ऑन डिग्री है। तो डिग्री की जब मैं इनके डेफिनेशन लिखाते चल जाऊंगी तो आगे की जो पॉलीनोमियल होगी उनको मैं डिग्री के नाम से ही
बताऊंगी। तो आई होप ये चीज यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि आज का हमारे पास जो टॉपिक है वो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स है, इनको दो बेस पर डिफाइन करते हैं, बेस्ड ऑन डिग्री और बेस्ड ऑन टर्म्स। तो आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री। डिग्री में सबसे पहले हमारे पास आता है लीनियर पॉलिनोमियल, दूसरा होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तीसरा क्यूबिक पॉलिनोमियल और बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसके अलावा भी पॉलिनोमियल्स होती हैं, पर जब मैं इनको डिफाइन करूंगी वो एक्सप्लेन करूंगी तब। एंड दो फेमस पॉलिनोमियल होती है हमारे पास, जीरो पॉलिनोमियल और कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल, उनका हम अलग सेपरेट लेक्चर रखेंगे, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं इनका डीपली डिस्कस कि किस तरीके से है। नंबर वन जो है मेरे पास वो है मेरे पास लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। अगर मैं लीनियर पॉलिनोमियल की बात करूं, अब मैं किस बेस पर डिफाइन कर रही हूं उनको, डिग्री। तो मतलब जो इसकी डेफिनेशन आएगी वो आएगी डिग्री की हेल्प से, ठीक है। तो हमारे पास ऐसी मतलब कौन सी पॉलिनोमियल है कि जिसकी डिग्री वो हो और हम इसको लीनियर बोल दे। तो यहाँ पे जो आप डेफिनेशन लिखोगे वो लिखोगे ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री वन, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री वन is called linear polynomial. A polynomial of degree one is called linear polynomial. कहने का मतलब क्या है कि जब हमने डिग्री पढ़ी थी और वहां पे हमने एग्जांपल्स करे थे, तो वहां पे काफी सारी पॉलिनोमियल्स ऐसी आई थी जिनकी डिग्री क्या थी, वन। अगर मेरे पास पॉलिनोमियल की डिग्री वन हो जाए, मतलब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर वन आ जाए, तो जिन पॉलिनोमियल्स की डिग्री वन होगी उन्हें हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। बात समझ आ गई। डिग्री के बेस पर हम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल को डिफाइन कर रहे हैं, उसमें अगर मेरे पास डिग्री वन आ जाए तो मेरे पास वो पॉलिनोमियल होगी लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है मेरे पास, वन, ठीक है। एग्जांपल के लिए अगर हम बात करें तो एग्जांपल क्या होगा हमारे पास, एग्जांपल की एग्जांपल में नंबर वन अगर मैं लू, नंबर वन एक्स प्लस के थ्री, अब देखो यहाँ पे चेक करो, दिस इज अ पॉलिनोमियल। अगर मैं यहाँ पे चेक करूं तो मेरे पास वेरिएबल बैठा है यहाँ पर, वेरिएबल की पावर क्या है, वन, तो हाईएस्ट पावर क्या है, वन। तो यहाँ पे इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है मेरे पास, वन। जैसे ही इस पॉलिनोमियल की डिग्री वन हुई तो ये क्या हो गया मेरे पास, लीनियर पॉलिनोमियल। बात समझ आई। तो दिस इज ए लीनियर पॉलिनोमियल। तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हो। यहाँ पे मैंने समझाने के लिए किया था, यहाँ पे मेरे पास है x प्लस के थ्री और वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, वन, मतलब डिग्री क्या है मेरे पास, वन। डिग्री जैसे ही वन हुआ तो ये पॉलिनोमियल क्या होगी मेरे पास, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, ये मेरे पास लीनियर पॉलिनोमियल होगी, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे x प्लस वाई प्लस के फाइव, अब ये बताओ क्या ये मेरे पास पॉलिनोमियल जो है ये लीनियर है या नहीं, चेक करो। कैसे चेक करना है, हमें देखनी है डिग्री। डिग्री हमारे किसकी देखते हैं, वेरिएबल की। वेरिएबल यहाँ पे बैठा है, वेरिएबल यहाँ पे बैठा है, यहाँ पे इसकी पावर वन, यहाँ पे इसकी पावर वन। तो अगर मैं पावर वन की बात कर रही हूँ, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल क्या होगी, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या हुई, वन। तो यहाँ पे मेरे पास आ गई डिग्री
वन, और ये मेरे पास जो पॉलिनोमियल है ये टू वेरिएबल्स में, एक एक्स है और एक वाई है, तो ये मेरे पास टू वेरिएबल्स में पॉलिनोमियल है और इनकी डिग्री जो है वो मेरे पास क्या है, वन है। अगर इनकी डिग्री वन है तो ये मेरे पास क्या बन गया यहाँ पे, ये बन गई लीनियर लीनियर पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल्स, इन टू वेरिएबल, टू वेरिएबल्स में ये मेरे पास क्या बन गई, लीनियर पॉलिनोमियल टू वेरिएबल्स। ठीक है, एक्स और वाई दो वेरिएबल है तो लीनियर पॉलिनोमियल है। लीनियर क्यों हुई, क्योंकि डिग्री क्या आ गई मेरे पास, वन। इससे अगर नेक्स्ट हम करें, आ गए मेरे पास, इससे पहले मैंने क्या ली थी, y प्लस के 5, क्या ये मेरे पास लीनियर है, तो लीनियर के लिए क्या चेक करते हैं हम, डिग्री। देखो डिग्री, डिग्री मेरे पास इसकी अगर 1 आ गई तो मैं बोल दूंगी लीनियर। तो डिग्री मेरे पास वेरिएबल यहाँ पे बैठा है, वेरिएबल की पावर क्या 1 है, हाईएस्ट पावर क्या है 1, तो 1 है, तो डिग्री क्या हुई मेरे पास 1। डिग्री जैसे ही 1 हुई तो दिस इज लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलीनोमियल। ठीक है, इससे नेक्स्ट फोर्थ, क्या ये मेरे पास पॉलीनोमियल लीनियर है या नहीं है, तो लीनियर बताने के लिए हम क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे डिग्री का, डिग्री देखेंगे हम यहाँ पे। तो अगर मैं डिग्री की बात करूं तो मेरे पास यहाँ पे डिग्री कितनी है, मैंने चेक किया वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है 1, तो हाईएस्ट पावर 1 मतलब डिग्री 1, जैसे ही डिग्री 1 हुई तो मैं बोल दूंगी दिस इज लीनियर पॉलीनोमियल, लीनियर पॉलीनोमियल। सिर्फ आपको क्या करना है, जो भी पॉलिनोमियल दी होगी उसमें उसकी डिग्री चेक करनी है, अगर मेरे पास डिग्री 1 आती है तो वो मेरे पास लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगी, चाहे वो 1 वेरिएबल में हो या मेरे पास 2 वेरिएबल में। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कि मेरे पास लीनियर पॉलिनोमियल किस तरीके से चेक करते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होती है जिनकी डिग्री 1 होती है, जिनकी डिग्री 1 होती है। अब हमारा जो नेक्स्ट टाइप है वो है मेरे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कौन सा है नेक्स्ट टाइप, जो है सेकंड जो है मेरे पास वो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या होगा, तो इनके डेफिनेशन सबकी सेम ही है इसी तरीके से, सिर्फ डिग्री के बेस पे डिफाइन करना, तो हमें ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे ऐसी कौन सी डिग्री होनी चाहिए जिसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोल दें। तो यहाँ पे आप लिखोगे ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। यहाँ पे जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, 2। ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 is called quadratic polynomial, is called quadratic polynomial। मेरे पास अगर कोई polynomial है जिसकी डिग्री क्या हो मेरे पास 2 आ जाए तो मैं उस पॉलिनोमियल को बोल दूंगी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे आपको क्या चेक करना है, जो भी पॉलिनोमियल दी होगी आपको सिर्फ क्या चेक करना है, डिग्री चेक करनी है। अगर डिग्री 1 आती है तो लीनियर है, डिग्री 2 आती है तो क्वाड्रेटिक है। इतना क्लियर हो गया। अगर एग्जाम्पल की बात करें हम, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो यहाँ पे नंबर 1 एग्जाम्पल
एक्स स्क्वायर प्लस के 5x प्लस के 6। अब क्या मैं कोई बताओ क्या ये पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? देखते हैं मैम, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए डिग्री क्या होनी चाहिए मेरे पास? 2। तो हम इसकी डिग्री चेक कर लेते हैं। तो मैंने जब यहाँ पे डिग्री चेक की तो डिग्री के लिए हम क्या करते हैं, वेरिएबल पर जाते हैं, वेरिएबल पर जाते हैं, वेरिएबल की पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो दोनों में से हाईएस्ट क्या है मेरे पास? 2। तो जैसे ही डिग्री 2 आई तो ये पॉलिनोमियल मेरे पास क्या बन गई? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इम्प्लाइज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्लियर हो गया। एक एग्जांपल और करते हैं। अगर मैं यहां पे बात करूं, इसकी क्या ये मेरे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? तो मैम, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखने के लिए हमें सिर्फ डिग्री देखनी होती है। अगर डिग्री 2 आ गई तो मैं इसको बोल दूंगी दिस इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे हम मैम पहले चेक करेंगे डिग्री, डिग्री हम यहाँ पे देखेंगे। तो डिग्री जब मैंने यहाँ पे देखी, हम गए वेरिएबल पर, हम गए वेरिएबल पर, यहाँ पे पावर 1, यहाँ पे 2, तो दोनों में से हाइएस्ट क्या होगा मेरे पास? 2। तो जैसे ही डिग्री मेरे पास 2 आई तो मैं बोल दूंगी दिस इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर हो गया। एक एग्जांपल और। अब बेटा क्या ये मेरे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? मैम अभी चेक करके बताते हैं कैसे, हमें डिग्री से पता चल जाएगा। अगर डिग्री मेरे पास 2 आ गई तो दिस इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और डिग्री के लिए हम वेरिएबल पर जाते हैं, पावर देखते हैं, उनमें से जो हाईएस्ट होता है वो हम यहाँ लिख देते हैं। तो 1 और 2, 1 और 2 में से हाईएस्ट क्या होगा? 2। तो डिग्री 2 आते ही मैं बोल दूंगी दिस इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो आई होप ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हमारे पास लीनियर क्या होता है, हमारे पास क्वाड्रेटिक क्या होता है। जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होगी उसको हम बोल देंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगला हमारे पास आता है, थर्ड जो आएगा वो आएगा हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल की अगर मैं बात करूं तो इसमें अब तक आपको हिंट लग गया होगा कि लीनियर में मैम गए तो लीनियर में डिग्री 1, क्वाड्रेटिक में गए तो डिग्री 2, अब जब हम क्यूबिक में आ रहे हैं तो डिग्री 3। तो यहाँ पे यही चीज आएगी कि पॉलिनोमियल 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 ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलीनोमियल, क्यूबिक पॉलीनोमियल। तो यहाँ पे आपको क्या चेक करना है कि जो भी पॉलीनोमियल होगी अगर उसके पास क्या हो जाए, डिग्री 3 हो जाए, तो मैं उस पॉलीनोमियल को क्या बोल दूंगी? क्यूबिक पॉलीनोमियल। तो यहाँ पे एग्जांपल के लिए हम देखें, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट,
एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में अगर हम बात करें तो फर्स्ट में क्या है, कैसे के पावर 3 प्लस के 2x² प्लस के x प्लस के 9, मैंने ये पॉलिनोमियल लिख दी। ठीक है, अब मुझे बताना है कि क्या ये पॉलिनोमियल क्यूबिक है। मैम अभी बता देंगे। कैसे बताएंगे? हम बताएंगे विद द हेल्प ऑफ डिग्री। अगर मेरे पास इसकी डिग्री 3 आ गई तो मैं बोल दूंगा ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो जाओ वेरिएबल पर, जाओ वेरिएबल पर, जाओ वेरिएबल पर, पावर 1, पावर 2, पावर 3, इनमें हाईएस्ट क्या होगा? 3। तो मेरे पास इसकी डिग्री आ गई 3, तो दिस इज ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, एक एग्जांपल और। सेकंड एग्जांपल हमने ले लिया ये, तो यहाँ पे ये बताओ कि यार मेरे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल है कि नहीं है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल बताने के लिए हमें क्या देखना है, यहाँ पे जहाँ पे भी वेरिएबल बैठा है उसकी पावर क्या है? हाईएस्ट 3। अगर इसकी पावर हाईएस्ट क्या है? 3। अगर इसकी डिग्री 3 आ गई मेरे पास तो ये क्या बन जाएगी मेरे पास? क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये मेरे पास होगी क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो आई होप ये भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक क्या होता है, देन क्यूबिक क्या होता है। अब हम बात करेंगे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा होगा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो कि हमारे पास फोर्थ है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की अगर मैं बात करूं तो आपको ये हिंट तो लग ही गया होगा कि पहले डिग्री 1, फिर डिग्री 2, फिर डिग्री 3, तो बाई क्वाड्रेटिक में क्या होगा? डिग्री 4। तो यहाँ पे हमारे पास डेफिनेशन में क्या आएगा? ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4, डिग्री 4 की जो पॉलिनोमियल है इज कॉल्ड बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसको क्या बोलेंगे हम? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 4 होगी उसको हम बोलेंगे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल, ठीक है, तो हमारे पास एग्जाम्पल है ये नंबर 1 एग्जाम्पल। तो यहाँ पे हमें देखना है कि क्या ये मेरे पास पॉलिनोमियल बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है कि नहीं है। तो कैसे चेक करोगे? मैम हम इसको बताएंगे विद द हेल्प ऑफ डिग्री। डिग्री के हेल्प से हम बता देंगे। कैसे बताओगे? डिग्री कैसे देखते हैं? जहां जहां वेरिएबल है, जहां जहां वेरिएबल है, जहां जहां वेरिएबल है, जहां जहां वेरिएबल है वहां हम पहुंच गए। यहाँ पे इसकी पावर 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, तो हाईएस्ट पावर क्या होगी मेरे पास? 4। तो मेरे पास इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो गई? 4। और जैसे ही पॉलिनोमियल की डिग्री 4 हुई तो मैं इसको क्या बोल दूंगी? बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इससे नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। आई होप ये चीज आपको अच्छे समझ आ गया। वो पॉलिनोमियल हमारे पास डिग्री 4 की 1 वेरिएबल में थी, अब हम यहाँ पे 2 वेरिएबल में है। देखो यहाँ पे xy, xy, y, xy, ठीक है, तो 2 वेरिएबल्स में देखेंगे किस तरीके से हम बाई क्वाड्रेटिक बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा? डिग्री। डिग्री के बेस पर ही हम बता सकते हैं। अब हमें तो 2 वेरिएबल्स में डिग्री निकालनी आती है, तो निकालना स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे वाई स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स वाई है, यहाँ पे वाई की पावर 4 है, यहाँ पर ये है और यहाँ पर ये है। तो जब हमारे पास 2 वेरिएबल्स में आता है और हमें डिग्री निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं? जब ये साथ में होते हैं तो इन दोनों की पावर को क्या कर देते हैं? सम, मतलब ऐड कर लेते हैं। 2 प्लस 2, यहाँ पे 1 प्लस 3, और यहाँ पर 4 ही रहेगा मेरे पास, यहाँ पर 1 प्लस 1, और यहाँ पे 2। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 4 4 4 2 और 2। तो देखो यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यहाँ 2, यहाँ 2, तो इनमें हाईएस्ट कौन सा है? हाईएस्ट है मेरे पास 4। तो जैसे ही डिग्री इसकी, इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हुई? 4 हुई। जैसे ही पॉलिनोमियल की डिग्री 4 हुई तो मैं क्या कह दूंगी?
दिस इज बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगी मेरे पास, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो आई होप आज का लेक्चर ये आपको अच्छे से समझ आया होगा कि हमारे पास यहाँ पे हमारे पास अगर हम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की बात करते हैं तो बेस्ड ऑन डिग्री हमारे पास जो फेमस होते हैं वो है लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल और बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल में पॉलिनोमियल्स को कहते हूँ जिनकी डिग्री क्या होती है मेरे पास वन, जिनकी डिग्री क्या होती है वन। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उनको कहती हूँ जिनकी डिग्री मेरे पास क्या होती है टू। क्लियर। और जिन पॉलिनोमियल्स की डिग्री मेरे पास क्या होती है थ्री, वो होती है क्यूबिक पॉलिनोमियल। और बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मैं उनको कहती हूँ जिनकी डिग्री मेरे पास क्या होती है फोर। बात समझ आ गई। डिग्री वन की पॉलिनोमियल लीनियर, डिग्री टू की पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक, डिग्री थ्री की पॉलिनोमियल क्यूबिक, डिग्री फोर की पॉलिनोमियल बाई क्वाड्रेटिक। अगर मेरे पास किसी पॉलिनोमियल की डिग्री फाइव आ जाए फिर क्या कहेंगे मैम, सिक्स आ जाए तो फिर क्या कहेंगे हम, सेवन आ जाए तो फिर क्या कहेंगे। तो इसके बाद की जितनी भी डिग्री की पॉलिनोमियल आती हैं, अगर मेरे पास फाइव की आई तो मैं बोलूंगी फिफ्थ डिग्री पॉलिनोमियल। क्या बोलूंगी, फिफ्थ डिग्री पॉलिनोमियल। अगर मेरे पास डिग्री सिक्स की आती है तो सिक्स डिग्री पॉलिनोमियल, सेवंथ डिग्री पॉलिनोमियल, एट्थ डिग्री पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर एन डिग्री की आ गई तो एनथ डिग्री पॉलिनोमियल। उसके बाद क्या है, जो डिग्री होती है उसी के साथ उसका नाम बना दिया जाता है। जैसे यहाँ पे फोर के बाद आएगा फाइव तो फिफ्थ डिग्री पॉलिनोमियल। ठीक है, तो मैंने आप को आज ये बता दिया कि हमारे पास पॉलिनोमियल के टाइप्स क्या होते हैं बेस्ड ऑन डिग्री। तो ये फेमस होते हैं, इसके अलावा जो होती है फाइव सिक्स डिग्री की उनके नाम से ही फिफ्थ डिग्री पॉलिनोमियल, सिक्स डिग्री पॉलिनोमियल ऐसे ही बोलते चले जाते हैं हम। ठीक है, और यहाँ पे इनके एग्जाम्पल से भी समझाया। और इसके बाद हम करेंगे जो हमारे पास टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन टर्म, टर्म पे करने के बाद जो दो फेमस पॉलिनोमियल है हमारे पास कॉन्स्टेंट और जीरो पॉलिनोमियल उनके बारे में करेंगे। तो आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा कि हमारे पास पॉलिनोमियल के टाइप्स कैसे होते हैं बेस्ड ऑन डिग्री, बेस्ड ऑन टर्म। बेस्ड ऑन डिग्री में हमारे पास वन के लिए लीनियर, टू के लिए क्वाड्रेटिक, थ्री के लिए क्यूबिक और फोर के लिए बाई क्वाड्रेटिक। उसके आगे जो भी होंगे फिफ्थ डिग्री पॉलिनोमियल, सिक्स डिग्री पॉलिनोमियल, सेवंथ डिग्री पॉलिनोमियल ऐसे चलता चला जाता है। तो आज के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।